साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई दुबई वीए से रिलेटेड। जी हां साथियों, कुछ वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग जैसे कंपनी निकाल देती है या खुद आप जॉब रिजाइन दे देते हो, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है वगैरह वगैरह, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें और फेसबुक पेज वाले भाई फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई आगे बढ़ने से पहले कोरोना अपडेट की मैं आपको जानकारी दे दूँ। दुबई में साथियों कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया, बहुत अच्छी बात है। दुबई में रहने वाले और दुबई जल्दी, इसीलिए भाई दुबई ने पूरा सिस्टम रीस्टार्ट कर चुका है 100%। लगभग 39,000 प्लस यानी 40,000 के आसपास अभी तक आंकड़े पहुंचे हैं कोरोना पॉजिटिव हैं, उनमें 281 के करीब अभी तक डेथ हुई है। डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा कम मैं इसको मान सकता हूँ और रिकवर भी बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट कर रही है। 22,000 प्लस रिकवर हो चुके हैं। सो 17-18 पॉजिटिव केस चल रहे हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है भाई, इतनी बड़ी कंट्री में तो इतना तो हो ही जाता है। तो दुबई के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आज हम बात करेंगे भाई वीज़ा से रिलेटेड। देखिए काफ़ी सारे लोगों के मैसेज कमेंट्स जो, और लगभग हकीकत भी यही है कि ये जो कोरोना की वजह से बहुत सारी कंपनियां जैसे लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। मान लीजिए मैं 2-3 पॉइंटों पे बात करूंगा, आप गौर कर लीजिए। मान लीजिए आपके वीज़ा 2 साल का पड़ा है, उसमें 6 महीने बाकी हैं, साल भर बाकी है या 18, जितना भी इसमें टाइम बाकी है, और कंपनी आपको बोलती है भाई आप अब घर जाओ, तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप उस कंपनी से निकल के आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप काफ़ी सारे लोग बोलेंगे हमें तो पता है, अरे भाई आपको पता है लेकिन बहुत सारी दुनिया को नहीं पता है, क्योंकि लेबर बेचारे जो लेबर व लोग होते हैं उनको नहीं पता होता। तो ख़ास तौर से मैं बता दूं, तो आपके पास जैसे वीज़ा में टाइम पड़ा है और कंपनी ने आपको निकाल दिया, तो आपको ये चाहते हैं कि भाई हमें दुबई में रह के जॉब करना है, क्योंकि इंडिया के हालात तो आपको पता है, दुबई इंडिया में क्या होने वाला है। तो अगर आप वहाँ पे जॉब, तो भाई आप दूसरी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में आप इंटरव्यू दें दोबारा से, और एक्सपीरियंस के आधार पे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत सारे लोग निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, तो अभी सिस्टम दोबारा रीस्टार्ट हुआ है। तो कंपनियों को छोटे कामों में, मैं नहीं बोलता हाई स्किल्ड जॉब की मैं बात नहीं करता, लेकिन जॉब मिल जाते हैं तो आप उस कंपनी से रिज़ाइन दे रहे हो या उस कंपनी आपको निकाल रही है, तो भाई उसी वीज़ा में आप दूसरी कंपनी में जॉब लग सकते हो। दुबई गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, यूएई गवर्नमेंट में बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इतनी सारी कंट्रियों का सिस्टम देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, जितना यूएई गवर्नमेंट ने किया है लेबरों के लिए, मैं बता दूं अप्रवासी लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, उतना भाई कोई भी कंट्री ने नहीं किया, मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो। दूसरा वो ऑप्शन ही आपके पास ये आ जाता है कि मान लीजिए आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, ठीक है, कंपनी ने आपको निकाल दिया, तो अभी आपको गवर्नमेंट ने, कल तक की न्यूज़ ये आ रही थी भैया आपको 28 दिन का टाइम दिया गया, 28 दिन में नहीं निकलोगे तो फिर फाइन पड़ेगा, 125 दराम के लगभग पर डे है, फिर 25-30 दराम पर डे बढ़ता है, तो कहने का मतलब महंगा पड़ता है। उस सिचुएशन में आप विजिट वीज़ा लेके रह सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा गवर्नमेंट ने किया है, आप वर्क परमिट में हो, आपका वीज़ा नहीं लगा, आप कैंसिल, कंपनी ने निकाल दिया, कैंसिल हो गया, आपके पास वीज़ा नहीं है, तो आप वहीं का वहीं उसी कंट्री में विजिट वीज़ा ले लीजिए 3 महीने का, और उसी वीज़ा से आप भाई दूसरी कंपनी में जॉब लग सकते हो और आपका वीज़ा लगवा सकते हो। तो कितना बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए। तीसरी पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आपको रहना नहीं है भाई, आपको मान लीजिए आपने रिज़ाइन दे दिया, कंपनी में काम नहीं करना है, आपका वीज़ा एक्सपायर है, कुछ भी है, तो आपको गवर्नमेंट ने पहले ये बोला था कि 28 दिन के अंदर आपको कंट्री छोड़नी होगी वरना आपका फाइन चालू हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने आज की जो अपडेट है वो दुबई यूए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई आप जब तक ये रीस्टार्ट नहीं हो जाता फ्लाइटों वाला सिस्टम, तब तक आप दुबई में रह सकते हैं, जैसे ही स्टार्ट होता है आपको कंट्री छोड़नी होगी, नहीं छोड़ोगे तो कब फिर आपका जुर्माने वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो आपके अकाउंट में बढ़ता रहता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, कंपनी आपका वीज़ा लगा है, काम नहीं है तो भाई वो कंपनी निकाल रही है, दूसरी में लग जाएं। अगर मान लीजिए आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, वीज़ा आपका ख़त्म हो रहा है, तो आप विजिट वीज़ा लेके दुबई में 3 महीने स्ट्रगल कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू, तो जॉब लग जाएगा। तीसरा आपको लगता है कि नहीं हमें इंडिया आना है, तो भाई इंडिया आ जाइए, 28 महीने भर का गवर्नमेंट ने टाइम दे रखा है, लेकिन इसमें टाइम बढ़ जाएगा, महीने भर बाद अगर आप ये सोचते हो कि हम बैठे हैं भाई दुबई में, तो फिर आपका फाइन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बस साथियों दुबई से रिलेटेड यही अपडेट मेरे पास था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।